अब हम शब्द अलंकार के भेद पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अलंकार के मैंने दो भेद बताए थे, पहले तो दो भेद शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब हम शब्द अलंकार के उपभेद या शब्द अलंकार के भेद पढ़ लें। देखिए बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। शब्द अलंकार है ना, क्या होती है कि काव्य में जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है वह शब्द अलंकार होता है। अर्थात जब शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता आती है, उसकी शोभा बढ़ती है, तब वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। उसके नाम से ही पता चलता है शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के बच्चों कितने भेद हैं? शब्द अलंकार तीन प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? तीन भेद हैं शब्द अलंकार के। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तीन भेद हैं। अब हम बच्चों शब्द अलंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण यानी कि अक्षर या अल्फाबेट एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो उसकी आवृत्ति से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई वर्ण जो है बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम इसे इसके उदाहरण से और अच्छे से समझें। देखिए बच्चों, तन्वी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आप देखिए इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? तय वर्ण बार बार आ रहा है। तय तन्वी तनुजा तय तय तट तय तमाल तरुवर, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया। आवृत्ति हो ना घूम घूम के बार बार आना, तो इसमें तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई अर्थात तय वर्ण बार बार आया है, तय अक्षर बार बार आया है ना। तो क्या हुआ फिर ये कौन सा हुआ? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही कोई इसका और उदाहरण ले लेंगे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उसमें चय चारु चंद्र की चंचल किरणें चय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि चय वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सीधी सी इसकी पहचान है कि यदि कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए, दो या दो से अधिक बार आए है ना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों अनुप्रास के भी कई भेद हो जाते हैं, पर आपके सिलेबस में हमें यही बताना है, इतना ही है आपके सिलेबस में। अनुप्रास के और उपभेद वो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम कौन सा पढ़ेंगे शब्द अलंकार का भेद? यमक अलंकार। ओके, आइए बच्चों अब हम शब्द अलंकार के दूसरे भेद यमक अलंकार को पढ़ें। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर देखिए यमक अलंकार, इसकी शाब्दिक परिभाषा देखते हैं। जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण कैसा है कि कनक कनक के सोहनी मादक का अधिकाय या खाए बोरा रेजर व पाए बोरा। बच्चों देखो इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ, यानी कि एक शब्द होगा और उसके कई अर्थ निकल रहे होंगे, ठीक है, एक शब्द लिखा होगा और उसके वो दो एक या युग में, यानी कि जोड़ा, यमक मान बच्चों वैसे होता है जोड़ा, जोड़े के रूप में कोई शब्द आता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक माने युग्म, युग्म माने जोड़ा, तो जोड़े के रूप में आ गया। जैसे कनक कनक से देखो, दो बार आ गया कनक कनक और दोनों ही बार इनका अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। दोनों शब्द तो कनक ही हैं, इसलिए तो शब्द अलंकार है, शब्दों के द्वारा वर्णों के द्वारा इसमें जादू उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। तो कनक और कनक दोनों कनक शब्द हैं, लेकिन एक कनक का अर्थ निकल रहा है धतूरा, धतूरा नशीली वस्तु होती है, और एक कनक का मतलब है सोना। तो दोनों लिखे हुए तो कनक ही है पर अर्थ अलग निकल रहा है, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों जहाँ पर, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यमक माने याद रखने की बात है, यमक का अर्थ है युग्म और युग्म का अर्थ है जोड़ा, जोड़ा द्वारा युग्म, ठीक है। और आप सोचेंगे अनुप्रास में था, उसमें सिर्फ वर्ण की आवृत्ति थी बच्चों, वर्ण यानी कि अक्षर यानी कि अल्फाबेट आ रहा था बार बार, कई बार आ जाता अल्फाबेट,
इसमें पूरा पूरा शब्द है, देखो पूरा पूरा शब्द है, अल्फाबेट कितना होता है बस। तो बच्चों इसका यमक का हम समझ रहे हैं, इसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि एक एक यानी धतूरे से भी ज्यादा नशा जो है सोने में होता है। कैसे कि उसे तो खाके ही नशा होता है, लेकिन सोने को तो पानी भर से ही नशा हो जाता है। तो बच्चों हमारा ये यमक अलंकार भी पूरा होता है। अब है हमारा श्लेष अलंकार, शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार। बच्चों इसे हम आगे पढ़ेंगे।